नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PS कोचिंग सेंटर में। दोस्तों यदि आप एक CS अवेल हैं अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं तो दोस्तों अब PM किसान का EKYC करने पर डिजिटल सेवा पोर्टल से अब पैसा कटेंगे, ऐसा मैसेज वायरल हो रहा है। इसी के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि क्या PM किसान का EKYC करने पर डिजिटल सेवा पोर्टल से अब पैसा कटेगा। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से CSE के पल पल की खबरें मिलती रहती है, तो जो भी सरकारी योजना होता है उसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी मिलता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या EKYC करने पर अब डिजिटल सेवा पोर्टल से पैसा कटेगा। दोस्तों यदि आप CSE के WhatsApp ग्रुप में जुड़े होंगे तो ग्रुप में एक मैसेज वायरल हो रहा है। उस मैसेज बार बार किया जा रहा है कि आप PM किसान का EKYC करने पर डिजिटल सेवा पोर्टल से पैसा कटेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है, यह बिल्कुल फेक न्यूज़ है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यदि आपसे कोई कह रहा है कि अब EKYC करने पर डिजिटल सेवा पोर्टल से पैसा कटेगा तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, यह फेक न्यूज़ है। आप निश्चिंत रहें, आप EKYC डिजिटल सेवा पोर्टल से करें, कोई पैसा नहीं लेगा, क्योंकि EKYC बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है, इसका कोई पैसा चार्ज या नहीं लगने वाला है। तो यह एक सूचना देना था। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय वेले साथियों।